रिकॉर्डिंग हुआ सही राइट सबको? यस यस अच्छा अच्छा यस अच्छा ओके ओके डन डन वेरी गुड ओके। तो अगेन बच्चा वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता होगा कि आज आपको मेरा फेस दिख नहीं दे रहा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट का इशू आ गया। तो कोई नहीं, फिर भी हमें ना प्रॉपरली इसी को समझते हैं कैसे हम टैकल करेंगे इसको। फिर भी अब देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखो हमने ऑलमोस्ट सब चीज पढ़ लिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके ये हमारे बाकी था ना हुंड सोलल, ये बाकी, अच्छा ये बाकी था राइट, यस सर है ना? यस सर हाँ यस ये बाकी था ये। ओके यस सर ओके अब देखो जी बच्चा ये बाकी था हमारा। ओके अब देखो बच्चों ये जो टॉपिक काफी सिंपल टॉपिक है, हम बेसिकली यहाँ पे ना तीन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर दिख रहा होगा आपका एक वो है आपको एनर्जी लेवल के बारे में दिखना। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ना आपको टॉपिक हमेशा बड़ा पूछने की कोशिश करेंगे आपको कि एनर्जी क्या है आपकी ऑर्बिटल्स। 2 सेकेंड तो हाँ आप कैसे बोलेंगे कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या है, मतलब कि वो लो उसका एनर्जी लो है या हाई है वो पूछ सकते हैं कभी कभी। तो ऐसा अरेंजमेंट पूछेंगे, तो आप करना कुछ नहीं है। अब देखो हमेशा करना, जब भी आपको ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड करना हो तो आपको एक टर्म यूज करना, कौन सा, आप हमेशा एन प्लस एल क्यू निकालना। आप कहने का बच्चों निकालोगे आप हमेशा एन प्लस एल क्यू निकालोगे। अगर आपका एन प्लस एल क्यू क्या आता है, लो आता है, कैसा आता आपका, अगर ये वैल्यू लो आता है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका ये होगा कि आपके एनर्जी सबसे कम होगी। अब देखो यहाँ देखो बच्चों एग्जाम्पल के देखते हैं ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ यहाँ पे आपका 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पे आपका 2s ऑर्बिटल है ना। अगर आपको एग्जाम पूछेंगे आपको ऐसा कि इन दोनों ऑर्बिटल्स में से किसका एनर्जी कम होगा, किसका एनर्जी, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना आप खाली एन प्लस एल प्लस करो। देखो 1s से क्या होगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और एल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी राइट बच्चा, यस सर है ना। यस अब सर देखो सिमिलरली अब ये 2s है तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका n इक्वल 2 है और आपका क्या होगा, l इक्वल 0 हो जाएगा, यस या नो, यस सर है या नहीं, यस सर यस सर ओके है ना, यस ना, एकदम से एकदम से जी बच्चा। तो अब आप क्या बोलोगे, आप अभी ये बोलोगे कि जो आपका इसको ऐड करो कितना आंसर आएगा, इसका 1 आंसर आएगा और इसका आपका 2 आंसर आएगा राइट बच्चा, यस या नो, दोनों ऐड करो। अब देखो किसका एनर्जी कम होगा, आप बोलोगे 1 कम लो वैल्यू है 2 ज्यादा वैल्यू है, तो क्या होगा, आप बोलोगे जो आपकी 1s ऑर्बिटल किसका होगा उसका लो एनर्जी होगा और 2s किसका होगा ज्यादा एनर्जी होगा, 2s का ज्यादा एनर्जी होगा। समझ गए बच्चा इतना, डन, यस सर यस सर। अब मांग के चलो कभी ऐसा भी, हाँ कभी कभी मांग के चलो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको ऐसे बोल देंगे कि आपका जो अगर आपका एन प्लस एल अगर आपने एन प्लस एल निकाला उसके लिए कैसे उसकी वैल्यू सेम आ गई, उसके लिए क्या आ गया आपकी सेम वैल्यू आ गई, तो क्या करो बच्चों, तब आप ये करोगे तब क्या करोगे, तो जिसका आपका अगर आपका एन सेम है तो क्या करोगे, जिसका एन का वैल्यू, जिसका द लोअर वैल्यू ऑफ एन विल बी द स्मॉलर क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका लोअर एनर्जी का होगा। अब देखो सपोज करो यहाँ पे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो बच्चों अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूँ कि आपका एक आपका 2p ऑर्बिटल है और एक आपका 3s ऑर्बिटल है, एक आपका 2p है और एक आपका 3s ऑर्बिटल है ठीक है बच्चों। अब क्या हो बच्चों, अभी आप क्या करोगे, अब देखो इसलिए आप एन प्लस एल क्यू क्यों निकालोगे, देखो अगर आप इसके लिए एन प्लस क्या होगा, आप बोलो यहाँ पे एन कैल 2 है और पी मतलब कितना होगा, पी मतलब आपका 1 होगा, यस या नो, यस या नो, तो मैंने आपको लिखा था ना, एस पी डी और एफ, तो क्या होगा, एस मतलब 0 होगा, पी मतलब 1 होगा, डी मतलब 2 होगा, एफ मतलब 3 होगा, ये क्या है, ये आपका एल क्यू, ये आपका एल क्यू वैल्यू होगा, है ना बच्चों, है कि नहीं, यस सर। ओके अब देखो जी बच्चे अब देखो इसको ऐड करो कितना आएगा, आप बोलो 3 आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं 3s लिखूं तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका n इक्वल 3 है और आपका l इक्वल कितना है 0 क्योंकि s है, तो इसका भी 3 आ गया, इसका भी 3। अब देखो यहाँ पे आपका दोनों आपका n प्लस l इक्वल सेम आ रही है, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, जिसका n का वैल्यू, अब देखो जिसका आपका n का वैल्यू
जिसका आपका एन कैलोरी कितना छोटा होगा, जिसका आपका एन कैलोरी छोटा होगा वो क्या होगा, वो उसका वो क्या होगा उसका लो रेंज होगा। अब किसका आप बोलोगे आपका टू पी जो है उसका एन कैलोरी कितना टू आ रहा है और थ्री से एन के थ्री आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप ये बोलोगे जो टू पी है उसका एनर्जी कम होगा और आपका थ्री आपका थ्री से क्या ज्यादा एनर्जी होगा। समझ गए, डन? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। सारे बच्चे हिना बेटा, हिना रिया पारुल, ओके बॉस है, बॉस है, ओके। तो हमने ये वाला पार्ट एक बार डिस्कस कर, चलो और एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल करते हैं। मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ एक आपका है, एक आपका है 4F और एक आपका 5P। अब मुझे ये बताओ 4F एंड 5P में किसका एनर्जी कम होगा, ये मुझे बताओ। कम ऑन, 4F एंड 5P में किसका एनर्जी, कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा? 5P का एकदम सही। लेकिन अगर मैं निकालता हूँ 5P क्या होगा, आप बोलो यहाँ पे आपका एन कैल्यू 5 आ रहा है और P मतलब क्या एल कैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे 6 आ रहा है, तो क्या होगा ऑब्वियसली आप बोलोगे जो 5P क्या होगा उसका एनर्जी कम हो जाएगा। डन बच्चा? yes, कोई दिक्कत? ओके, तो आई गेस यहाँ पे आपको प्रॉपरली सारी चीज समझ में आ गए, कोई दिक्कत है ना किसी को भी, है ना? ओके, नो सर। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। हम तीन लॉ के बारे में पढ़ाई करेंगे, कौन से बारे में, एक आपका अबव प्रिंसिपल, एक आपका होम्स रूल और एक आपका पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में। काफी सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, मैं आपको प्रॉपरली धीरे धीरे समझता हूँ सबका मतलब क्या होगा, ठीक है बच्चा? डन? यस सर। जी बच्चा, अब देखो अभी अबो ने क्या बोला, अबो ने ये बोला जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होगा, अबो ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल कहाँ होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल एड कहाँ पे होगा, एडेड इन द इन लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट, क्या होगा लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट। मतलब क्या, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये मान के चलो ये मेरा 1s ऑर्बिटल है, ये मेरा 2s ऑर्बिटल है और ये मेरा 2p ऑर्बिटल है, ये मेरा 2p ऑर्बिटल है। अब आपको पता चल गया होगा कि 1s जो है, जो 1s है उसका सबसे कम एनर्जी है, 2s का उसके बाद है, उसका 2p का है। तो अबो ने बेसिकली क्या बोला, अबो ने ये बोला कि जिसका एनर्जी कम होगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आके आएगा। मतलब क्या, देखो कौन अब कहां पे आएगा बच्चों, अब देखो अगर मुझे यहाँ पे फिल करना है 7, अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो क्या होगा सबसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, सबसे इलेक्ट्रॉन आएगा 1s। तो 1s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन गया, 1s में आपका 1-2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर क्या आएगा, फिर आपका 2s में जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 2s में कितना आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब कितना 3 बचा, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो क्या होगा ऐसे आपके क्या होगा इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, क्या होगा आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे। समझ गए, डन? ओके, तो अभी आपने एकदम सिंपल भाषा में आपने अबव प्रिंसिपल क्या बोला, अबव प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। कोई दिक्कत? नो नो। ओके, तो ये क्या कहता है, ये आपका बेसिकली आपका अबव प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, समझ गए, डन? जी बच्चा, अब देखो अभी हम बात करते हैं पॉली के बारे में। अब देखो पॉली के बारे में पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या बोलते हैं, क्या आपने इसके बारे में पहले ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो पॉली के बारे में आप क्या थोड़ा हिंट दो, आप थोड़ा हिंट दो, पॉली क्या कहता है, थोड़ा आप हिंट दो पहले, पॉली क्या कहता है, ओके तो एकदम से बच्चा, तो पर ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था जो ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने ये बोला जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने क्या बोला
the orbital can accommodate, the orbital can accommodate क्या होगा मैक्सिमम मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा उसका मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा और जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड और क्या जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा द इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने क्या होगा अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन कैसे होने आपका स्पिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे उसका ऑपोजिट कैसा होना चाहिए आपका ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए कोई दिक्कत डन ना तो उन्होंने ये बोला उन्होंने क्या बोला कि द ऑर्बिटल्स कैन ऑक्यूपाइड मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव यहां पे लिखता हूं मैं लिखता हूं यहां पे द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट क्या होगा उनका ऑपोजिट स्पिन होगा मतलब क्या अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता जैसे मैंने यहां पे अगेन मान के चलो मैंने यहां पे क्या बनाया यहां पे डी ऑर्बिटल बनाया यहां पे ने 3d ऑर्बिटल बनाया तो क्या होगा बच्चों 3d में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो आप बोलोगे यहां पे 5 2 3 4 है ना ये होगा तब क्या बोलोगे एक आपका डी एक्स वाई होगा एक आपका डी वाई जेड होगा डी जेड एक्स होगा एक आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और आपका डी जेड स्क्वायर होगा है ना बच्चों है कि नहीं तो उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा मान के चलो इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा सबसे पहले आपका एस वो आपका एस स्पिन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के सबसे पहले अप स्पिन होना चाहिए ठीक है ना अब देखो इतना देखा तो ये हमने डी के बारे में लिखा अगर मैं बात करता हूँ एस ऑर्बिटल के बारे में आपका अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल तो एस में कैसा होगा बच्चों आप ये बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन आए कैसा होगा सबसे स्पिन उसका ऐसा होगा मतलब कि एक का प्लस हाफ होगा एक का आपका प्लस हाफ होगा और दूसरा कैसा होगा दूसरे का आपका डाउन कैसा आपका डाउन स्पिन होगा पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा समझ गए पहले प्लस होगा फिर आपका माइनस होगा कोई दिक्कत नहीं ना नो सर ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके तो ये बेसिकली आपका क्या ये आपका पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कैसा होगा आपका पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है समझ गए डन यस सर एक बार रिपीट कर दीजिए जी बच ओके ओके मैं रिपीट कर देता हूं रिपीट कर ओके डोंट वरी तो देखो अब क्या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूं पॉल ने ये कहा चलो इसको इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा इसको हम बाद में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है ना इसको देखो अब देखो पॉल ने क्या बोला पॉल ने ये बोला जो ऑर्बिटल्स हैं जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1s ऑर्बिटल का तो पॉल ने ये कहा कि जो ऑर्बिटल्स हैं जो आपका एक ऑर्बिटल क्या होगा या फिर एक्सेप्शन क्या होगा उसमें मैक्सिमम कैसा होगा दो इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं उसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं एक सेल के अंदर और ने बोला इलेक्ट्रॉन कैसे होगा जो आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा कैसे होगा उन दोनों का ऑपोजिट स्पिन कैसा होना चाहिए आपका ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका ये कैसा होगा ये आपका प्लस हाफ होगा मतलब क्लॉकवाइज से क्या होगा इसका स्पिन आपका प्लस हाफ हो जाएगा इसका प्लस हाफ होगा और जो आपका क्या बोलते हैं जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो कैसा होगा उसका ऐसा होगा ये क्या होगा इसका पहले इसका माइनस हाफ होगा इसका माइनस हाफ हो जाएगा समझ गया बच्चा अनामिका यस सर और देखो और एक बात ये है ये सही तरीका लिखने का आपको आप कभी ऐसे मत लिखना ये क्या ये अलग है ये क्या देखो ये पहला आपका मतलब क्या आप ऐसे मत लिखना कभी देखो पहले आपका डाउन स्पिन होगा और फिर आपका अप स्पिन ऐसा नहीं होगा ये आपका रॉन्ग मेथड है कैसे होना चाहिए बच्चों सबसे पहले अपस्पिन होगा पहले आपका अपस्पिन होगा फिर आपका डाउन स्पिन होगा समझ गए डन यस सर सारे बच्चे समझ गए थम्स अप डालो ग्रुप में चैट बॉक्स में कम ऑन ओके थैंक यू दिव्यांशी ओके आई गेस थैंक यू हिना थैंक यू पारुल थैंक यू सपना थैंक यू रजत ओके आई गेस आपको सबको प्रॉपरली हर एक टर्म समझ में राइट है ना ओके अब देखो जी अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब देखो ये हुन शुल्क अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में हुन शुल्क के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आपका हुन शुल्क के बारे में अब देखो बच्चों तो हुन रूल ने क्या बोला उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स आपका सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका जो ऑर्बिटल्स होगा इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल फिल होगा और पहले कैसे होगा सबसे पहले वो सिंगल क्या होगा वो आपका सिंगल ऑक्यूपाई होगा फिर आपका देन क्या होगा फिर ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा सेकेंड स्टेप में क्या होगा फिर आपका डब्ल्यू ऑक्यूपाई होगा मतलब क्या अब देखो
अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये मेरा ऑर्बिट, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने टू पी ऑर्बिट बनाया, तो उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले आपका सिंगल सिंगल आएगा, ऐसे ऑक्यूपाई होगा। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे ना पांच, मुझे आपका टू पी में आपका पांच इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कितना करना बच्चों, पांच इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ पे फिल करना है। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे पहले कैसे होगा, पहले आपका सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मतलब देखो यहाँ पे एक, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, फिर आपका ये तीन और ये फिर चार, मतलब क्या, सबसे पहले सिंगल सिंगल, फिर आपका डबल डबल, फिर आपका डबल डबल, समझ गए, डन? यस यस जी बच्चा। तो अब देखो ये, देखो ये मैं आपको डेफिनेशनली पढ़ा रहा, मैं जो उसका मतलब है वो मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ना आपको देखो डेफिनेशन तो पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका मतलब समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, फाइन, अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सपोज करो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया एक दो तीन चार पांच छह और यहाँ पे सात, ये मैंने यहाँ पे एफ ऑर्बिटल, यहाँ मैंने एफ ऑर्बिटल बनाया। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे फिल करना, यहाँ पे मुझे नाइन इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो कैसे करूंगा, सबसे पहले आपका सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई, कैसे सिंगल ऑक्यू, तो कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक भी होगा यहाँ पे, यहाँ पे सात हुआ, तो सात फिल कर दिया हमने, एक दो तीन चार, सात फिल कर दिया। अब क्या होगा, अब दो बच्चे कैसे होगा, फिर आपका यहाँ पे डबल, फिर आपका डबल डबल, फिर आपका ऐसा डबल डबल पेयर होगा, समझ गए, डन? ओके बच्चों, तो बस इतना ही था, ये आपका कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, आपका जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान रखना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का, सॉरी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे, तो क्या करोगे, आपको भेजे तीन तीन रूल फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा, एक आपका अबव प्रिंसिपल, एक आपका हुंस प्रिंसिपल और एक आपका पॉली प्रिंसिपल, एक आपका पॉली का प्रिंसिपल, समझ गए। तो हुंड क्या कहता है बच्चों, हुंड ये कहता है, सॉरी जो आपका अबव ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जिसका जिस ऑर्बिटल का सबसे लोअर एनर्जी होगा वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा। और आपको लोअर एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, आप करोगे एन, क्या करोगे आप एन प्लस, क्या करोगे आप एन प्लस एल्क्योल निकालो, है ना, आप क्या करोगे एन प्लस एल्क्योल निकालोगे, डन? तो दिक्कत है ना, तो जिसका एनर्जी कम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा। फिर हुंड ने क्या बोला, हुंड ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे कैसे फिल होगा, सबसे पहले आपका सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेगा ऑर्बिट सबसेल के अंदर, फिर आपका डबल डबल ऑक्यूपाई होगा, फिर आपका डबल डबल ऑक्यूपाई होगा, समझ गए? ये क्या था, तो हुंड ने क्या बोला, हुंड ने ये बोला कि सबसे पहले सिंगल आएगा, पहले सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, फिर आपका डबल, फिर आपका डबल, फिर आपका पेयरिंग हो, फिर आपका पेयरिंग हो जाएगा, फिर पेयरिंग हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पे सिंगल एंड पेयरिंग, ओके ओके। तो फिर आपका पॉल ने क्या बोला, पॉल ने ये बोला कि जो आपका ऑर्बिटल में जो सबसेल है उसमें क्या होगा, एक सबसेल के अंदर क्या होगा आपका मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो दो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उन दोनों का स्पिन अलग कैसा होगा, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, मतलब क्या, सबसे पहला प्लस हाफ होगा, फिर आपका माइनस हाफ होगा, समझ गए? पहले अप स्पिन आएगा, फिर आपका डाउन स्पिन जाएगा, मतलब ऐसा, पहला एक आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा फील होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा फील होगा, समझ गए, डन बच्चा? कोई दिक्कत है ना यहाँ पर किसी को भी? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, देखो अभी, हाँ अभी हम ये टर्म पढ़ेंगे। अच्छा, और एक बात अगेन, थोड़ा दो मिनट टाइम ले लो, एक बार देख लो ये वाला पार्ट, किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बोलना, ठीक है ना, फिर हम थोड़े एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर आपका ना थोड़ा शेप के बारे में देखेंगे कि शेप कैसा होता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है, डन। अगर हो जाए तो प्लीज आप मुझे ना थम्स अप डाल दो या कुछ रिएक्शन दे दो, तो मैं समझ जाऊँ कि आपने समझ गए वाला पार्ट पूरा, तो आई थिंक ओके। थैंक यू अनामिका, थैंक यू शीतल बेटा, थैंक यू आरोशी, थैंक यू हिना, थैंक यू रिया, थैंक यू प्रीति, ओके आई गेस, यस आई गेस सारे बच्चे समझ गए। अब देखो, अब है ना,
हम ही देखते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बारे में। अब देखो एक टर्म हम समझते हैं कि देखो अगर आपका ऑर्बिटल्स, अगर आपको जो सब जो आपका ऑर्बिटल, जैसे आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा पी ऑर्बिटल दिख रहा होगा, अगर आपका पी ऑर्बिटल, अगर आपका पी ऑर्बिटल जैसे आपका सिंगल फील्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोलोगे आपका, एक आपका एक हम बोलेंगे हाफ फील्ड, एक बोलेंगे कंप्लीट फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी सिंगल फील्ड, क्या हम बोलते हैं सिंगली ऑक्यूपाइड, हम कभी इसको सिंगली ऑक्यूपाइड बोलते हैं, और इसको इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डब्ली ऑक्यूपाइड, डब्ली ऑक्यूपाइड बोलते हैं। तो मतलब क्या देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये आपको दिख रहा है पी थ्री वाला, पी थ्री में क्या आप बोलोगे, आप ये बोलोगे जो पी थ्री ऑर्बिटल है वो आप ऐसा है वो आपका सिंगल ऑक्यूपाइड है, वहां पे अगर मैं क्या होगा यहाँ पे पी में आपका तीन सबसे कितना का पी एक्स आएगा पी वाई आएगा एंड पी जेड आएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका सिंगल आया, ये भी यहाँ पे तीन है दो और यहाँ पे तीन है, तो क्या होगा ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा ऑर्बिटल है, ये आपका सिंगल, ये कैसा आपका, ये आपका हाफ फील्ड बोलेंगे, इसको हम हाफ फील्ड बोलेंगे या तो सिंगल फील्ड बोलेंगे, और जो आपका हाफ फील्ड होता है या तो आपकी डबल फील्ड, वो क्या होता है वो आपके मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, वो आपके मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, क्या होता है आपके मोर स्टेबल होते हैं, वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, के साथ आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए क्या होता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ वो भी हम पढ़ेंगे बच्चा, वो भी हम अभी पढ़ेंगे एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, अभी जस्ट हम पढ़े दिवस्टी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब देखो तो आप क्या बोलोगे, जो आप देखो अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि आपका पी ऑर्बिटल है, तो आप क्या बोलोगे जो आपका पी थ्री है एंड पी सिक्स है, जो आपका पी थ्री वो कैसा होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, और देखो पी थ्री और पी सिक्स में कौन सा होगा, आप बोलोगे जो पी सिक्स है वो कैसा होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो कैसे है सबके सब कैसे डबल डबल फील्ड, मतलब क्या कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स, समझ गए। यस सर, वैसे ही जी बच्चा, यस सर जी बच्चा, अगर वैसे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ डी ऑर्बिटल्स, अगर मैं बात करता हूँ डी ऑर्बिटल्स, तो क्या होगा आप ये बोलोगे डी में आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी में आपका मैक्सिमम कितना होगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका डी फाइव है, जो आपका डी फाइव है जो आपका हाफ फील्ड, वो कैसा होगा आपका, वो आपका होगा हाफ फील्ड, मतलब आपका सिंगल होगा वो आपका हाफ फील्ड होगा, और जो आपका डी सिक्स, जो आपका डी टेन होगा वो कैसा होगा, वो आपका कंप्लीट फील्ड होगा, वो आपका कंप्लीटली फील्ड होगा। यस बच्चों, तो क्या होगा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसा आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली सिमिलर कौन सा होगा, अगर मैं आपको तो, अगर मैं आपको एफ ऑर्बिटल, आप क्या बोलोगे जो आपका एफ में आपका मैक्सिमम कितना होगा, आपका मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे जो आपका एफ सेवन है और आपका एफ 14 है, किसका होगा वो आपका मोर, ये आपका मोर स्टेबल, ये आपका मोर स्टेबल होगा। समझ गए, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ओके, तो इतना पढ़ा आई गेस आप सारे बच्चे समझ गए, राइट, डन बच्चा, सही है? जी बच्चा, ओके जी बच्चा, जी बच्चा, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपके बारे में, अभी हम जैसे अभी दिव्यांश ने कहा, अभी हम पढ़ेंगे आपका एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। अब देखो ये जो एक्सचेंज एनर्जी है ये भी काफी सिंपल टर्म है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, अभी मैं उसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है याद। अब देखो ओके, अब देखो ये आपका जो आता है ना, ये आपका आता है आपका जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका आता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसको आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, उसका 21 होगा। फिर क्या आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम आता है उसका होता है 22, जो वेरेंडियम उसका कितना होता है उसका 23 होता है एटॉमिक नंबर, है ना, और जो आपका क्रोमियम कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है, जो मैग्नीशियम उसका आपका 25 होता है, आयरन का आपका 26 होता है, कोबाल्ट का आपका 27 होता है, निकल का आपका 28 होता है, कॉपर 9 होता है, और आपका जिंक का कितना होता है आपका 30। ओके बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखो आपको है ना सबसे पहले सारे हाँ 1 से लेकर 30 तक आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब देखो
अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ स्कैंडम, एटॉमिक नंबर क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे जो स्कैंडम है उसका एटॉमिक नंबर आपका कितना? 21 है आपका, 21 है। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता सबको, सारे बच्चों को कि नहीं आता? यस सर, यस सर। ओके तो फिर एक काम करता हूँ मैं, तो फिर मैं इसको आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर आपको बोर ना करूँ आपको, ठीक है ना? तो हम टॉपिक पढ़ भी ले प्रॉपरली। अब देखो अगर मैं आपको बोला स्कैंडम कितना एटम 21 होगा, आप बोलो उसमें आपका 21 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखूंगा मैं? सबसे लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका कितना होगा? यहाँ पे आपका हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, हो गया बच्चा? यहाँ पे आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना बच्चा है अभी आपका? कितना अभी आपका बच्चा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल करोगे आप? फिल करोगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका 3d1 4s2, तो 4s2 आएगा, फिर आपका आएगा 3d, फिर आपका 3d1 आएगा। मतलब क्या? क्योंकि जो आपका 4s है, जो आपका 4s है उसका एनर्जी कम है और 3d का एनर्जी ज्यादा है, इसलिए क्या करते हैं 4s पहले लिखते हैं और 3d को बाद में लिखते हैं। तो क्या होगा आपका 4s1 आ गया एंड 3d1 आ गया, तो क्या होगा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरली हम कैसे लिखेंगे मैसेज, दैट इज कैसे लिखेंगे हम उसको, दैट इज आर्गन 3d1 लिखते हैं और आपका 4s2 लिखते हैं, ऐसा हम जनरली लिखते हैं। अब देखो जो आपका एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट आता है उसमें आता है, वो आपका क्रोमियम में आता है और आपका कॉपर में आता है। तो हमें ध्यान रखना बच्चों, जो क्रोमियम है और आपका कॉपर वो कैसा होगा? वो आपका एक्सेप्शन केस, वो कैसा होगा आपका एक्सेप्शन केस होगा। समझ गया बच्चा? डन? यस सर। अब देखो अगर मैं आपको ओके बच्चा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्रोमियम है, अगर मैं बोलता हूँ क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका? आप बोलो 24, कितना होगा? 24 होगा। तो आप ये बोल सकते हो क्या होगा, आप अभी ये बोलोगे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, दैट्स आर्गन, मतलब 18 हो गया आर्गन। अब लिखोगे आप, अब लिखोगे यहाँ पे 4s2 लिखोगे और आपका 3d4 होगा। क्यों? 18 2 3d5 है ना 18 2 10 सॉरी 20 और आपका 4 24, ये हो गया। लेकिन ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड नहीं करता, जनरली ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं। अब देखो अगर मैं आपको, अगर मैं आपका ऑर्बिटर ड्रॉ करूं तो क्या करोगे आप? ये बोलोगे ये आपका 4s है और यहाँ पे आपका 3d है, 1 2 3 4, यहाँ आपका 4s है और यहाँ आपका आपका 3d है। तब क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे आपका पहले क्या, आपका जो 4s में वहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और आपका 3d में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा? यहाँ पे 1 2 3 और 4, है ना बच्चों? यस या नो? यस या नो? अरे बच्चे यस ओके होगा। अब देखो हम ये जानते हैं अगर आपका डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो आप क्या बोलोगे? वो आपका क्या होगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। वो क्या होगा? वो आपका हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो होता क्या है यहाँ से, आप ये बोलोगे जो आपका 4s है उसमें क्या होगा, उसमें से आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हो गया, आपका इस ऑर्बिटल में जंप हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बच्चों? आप ये बोलोगे ऐसा हो जाएगा, दैट इज 4s1 हो जाएगा और क्या होगा आपका यहाँ पे आपका 3d में कितना होगा? 1 2 3 4 5, क्या होगा आपका 3d में? 5 हो जाएगा। तो अभी से कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बच्चों? आप ये बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे दैट इज आर्गन 4s1 एंड 3d5, ये आपका उसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब क्या ऐसा मैंने क्यों, बिकॉज ये कैसा, ये आपका मोर, ये क्या होगा आपका मोर स्टेबल, ये क्या होगा मोर स्टेबल होगा। समझ गए? कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? नो सर। तो बच्चों जी, बच्चों एक बार है ना इसको देख लो अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़े, फिर लास्ट एक एग्जांपल करेंगे, फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? एक बार इसको देख लो, अगर सारे बच्चे हो गया तो यस कर दो, लाइक कर दो, एंड अगर किसी डाउट है किसी को तो मुझे वापस पूछ लो, मैं आपको जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो टॉपिक। मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ, ठीक है ना? और एक बार बच्चों पता है अभी ना हमारे यहाँ पे इतना अंधेरा हो चुका है कि मैं क्या बताऊं, मतलब कि कोई है ही नहीं, पूरा ब्लैकआउट। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, जो मेरा लैपटॉप है उसमें मेरा बैटरी परसेंटेज अभी है 74% है, तो अच्छा है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए सारे बच्चे? यस, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके यस, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो अगर मैं आपको ये आपका नया टॉपिक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉपर के बारे में,
तो कॉपर का आप मुझे बताओ उसका एटॉमिक न्यूट्रॉन है, और आप मुझे ये बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, आप मुझे बताओ, कम ऑन, आपसे मुझे आंसर सुनना है, जल्दी बताओ, कम ऑन। ओके हाँ ओके, आर्गन, बोलो बच्चा आर्गन, बोलो बच्चों क्या होगा, हाँ आर्गन क्या होगा, आर्गन आगे बताओ, वापस बोलो, अच्छे से आवाज नहीं आ रही मुझे, 4s1 3d10 क्या होगा, हाँ एकदम से, तो आप क्या बोलोगे, हाँ 4s1 3d10 एकदम से, क्या होगा आपका, आप ये बोलोगे आर्गन किसका होगा, आपका 4s1 होगा और आपका 3d10 हो जाएगा। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते, अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते कैसा होगा, आप ये बोलोगे ऐसा होना चाहिए, दैट इज आर्गन मतलब 18, आप फिर आपका बोलोगे 4s2 होना चाहिए था और आपका 3d9 होना चाहिए था, आपका ऐसा होना चाहिए था, ये रॉन्ग मेथड है, ये आपका रॉन्ग है, कैसा था ये आप कैसा था, रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ क्या होगा आपका, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। शीतल कुछ पूछना बच्चा आपको, शीतल नो सर ये अपने आप ही हो रहा है, कोई बात नहीं, ओके कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं, कभी हो जाता, ठीक है ना। अब देखो क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, एंड क्या होगा इससे, क्या होगा आपका मॉलिक्यूल का आपका जो कॉन्फिगरेशन कैसा होगा आपका, मोर स्टेबल, ये आपका मोर स्टेबल बनेगा। डन है बच्चा, समझ गया इतना पार्ट, क्या बोल रहे बच्चा, शीतल बेटा कुछ पूछ रहे थे आप सर, ये एक्सेप्शन केस है ना, हाँ ये एक्सेप्शन है, ये आपका क्रोमियम, जो क्रोमियम वो आपका एक्सेप्शन होता है और आपका जो कॉपर वो आपका एक्सेप्शन होता है, ठीक है ध्यान रखना, बाकी सब नॉर्मल होगा, बाकी सबका नॉर्मल होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ आयरन के लिखो तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आयरन मतलब 26, तो क्या होगा पहले लिखोगे आर्गन, फिर क्या होगा 4s2 मतलब क्या 20 हो गया, कितने बचे 6 बचे, तो क्या होगा आपका 3d, क्या होगा 3d6 हो जाएगा, 3d6 ऐसा हो जाएगा, समझ गए, डन, 4s2 ओके ओके, एकदम से प्रीति, एकदम से अनामिका, एकदम से दिव्यांशी, आप सही बोल रहे हो, ठीक है डन, आगे बढ़े चलिए। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये भी आपका काफी इजी टॉपिक है, इतना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, इतना कोई आपका डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान, इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये आपका थर्ड चैप्टर में भी आएगा, आप थोड़ा समझना इसको, ठीक है प्रॉपरली। अब देखो जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, तो उसमें क्या होगा बच्चा, देखो बेसिकली ये जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं आपका जेड इफेक्ट, कहते हैं आपका जेड इफेक्ट, इसे उसको डिनोट करते हैं। अब देखो अभी आप है ना उसका मतलब समझो, सपोज करो मैं आपका ऐसा ऑर्बिट बनाया, जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट है और ये मेरा थर्ड ऑर्बिट है, मेरा थर्ड ऑर्बिट है। अब मान के चलो कि यहाँ पे आपका थर्ड ऑर्बिट है, वहां पे है ना, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है और आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका जो न्यूक्लियस है और जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, लेकिन हम ये अपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर आपको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, उसमें दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा बच्चों, यस या नो, यस सर, यस सर, जी बच्चा, जी बच्चा। अब देखो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, जब हम एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे उससे फोर्स कैसा लग रहा बच्चों, आप ये बोलो दैट इज एफ इज इक्वल टू के जेड इन टू ई। अब ई मैंने क्यों लिखा, देखो हम ही जानते हैं जो आपका न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, उससे प्रोटॉन्स होगा, उसमें क्या होगा प्रोटॉन्स होगा, अब प्रोटॉन क्या होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होगा, है ना बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने आपका जेड इन टू ई लिखा, ई मतलब क्या, अभी आप इसको प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन समझो, तो ये कैसा होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप क्या बोलोगे के इन टू जेड ई ब्रैकेट में ई, ई मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, और क्या होगा आपका अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होगा,
ये आपका उसका जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस होगा। तो हमने क्या, ये बेसिकली इतना फोर्स लगना चाहिए, बेसिकली आपका इतना एक्सपेक्टेड फोर्स लगना चाहिए। मतलब क्या, जो आपका सेंटर में जो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में और आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसमें आपका इतना फोर्स लगना चाहिए। आपका ऐसा है, ये आपका एक्सपेक्टेड, ये आपका एक्सपेक्टेड फोर्स है, ये आपका एक्सपेक्टेड फोर्स है, इसको हमने एफ माना, जिसको हमने एफ माना। अब देखो बाद में जो आप एफ है उसका है ना, उसका आप जेड समझना, जेड समझ मतलब कि आपका न्यूक्लियस समझना। अब देखो रियल में क्या होता है, हमने क्या माना कि इतना होना चाहिए, लेकिन जो रियल लाइफ की बात, जब रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो आपका एक्चुअल कंडीशन होता है, एक्चुअल कंडीशन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें ये होता है, उसमें जो फोर्स है, उसमें जो आपका फोर्स है कैसा लग रहा होगा, उसमें जो फोर्स आपका वो आपका लेस, वो आपका लेस देन है, वो आपका लेस देन एफ लग रहा होगा। मतलब आपका जितना फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा क्या होगा, उससे थोड़ा कम होगा, जो आपका फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा कम फोर्स होगा। मान के चलो जो आपका रियल फोर्स है, मान के चलो जो आपका रियल फोर्स कितना, मान के चलो उसके मान के उसका वैल्यू मान के 10 कितना होगा, 10 वो लगना चाहिए, लेकिन लग कितना रहा है आप ये बोलोगे, लग रहा आपका कितना 8, कितना होगा 8 लग रहा होगा। तो ये 8 क्यों लग रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो अभी हम इसके बारे में टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं, हम जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन, क्या बोलते उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलते उसको बच्चा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, क्या बोलते उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, समझ गए, क्या बोलते उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखो अभी मैं ना आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। अब पहले मुझे बताओ मेरा कौन कौन मेरा वॉलंटियर बनना चाहेगा, कौन कौन मेरा वॉलंटियर, प्लीज हैंड रेज करो जो मेरा वॉलंटियर बनना चाहेगा। ओके ओके, तो मान के चलो मैं तीन लोग, मैं ना तीन लोग को ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तीन लोग को ले रहा हूँ, एक में ले रहा हूँ हिना को, एक में हिना को ले रहा हूँ, एंड मैं ले रहा हूँ अनामिका को, मतलब कि अनामिका मतलब एड ले जाओ, अनामिका मतलब हिना मतलब एच, और आपका एक ले रहा सपना, एक सपना दोनों को मिल रहा, ठीक है, इन दोनों को मिल रहा हूँ। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पे पीयूष सर यहाँ पे टीच कर रहे हैं, पीयूष सर आपको टीच कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, और आप ये मान के चलो जो हिना है वो आपका फर्स्ट बेंच पे बैठी है, जो अनामिका वो सेकंड बेंच पे बैठी है, एंड जो सपना है वो आपका थर्ड बेंच पे, वो क्या, वो आपका थर्ड बेंच पे। तो फर्स्ट बेंच पे हिना है, सेकंड बेंच पे अनामिका है, और थर्ड बेंच पे हिना फर्स्ट पे है, सेकंड में अनामिका है, थर्ड पे सपना है। ओके, ये हमने देखा। अब मुझे बताओ कि जो मेरा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो मेरा ध्यान होगा, सबसे ज्यादा किस होगा बच्चों, आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, हिना पे आपका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब देखो अगर फिर किस पे होगा बच्चों, फिर आप बोलोगे अनामिका में होगा, राइट बच्चा, फिर अनामिका होगा, फिर लास्ट में किसमें होगा, लास्ट में आपका सपना। अब देखो हो ये रहा है कि जो सर है, जो आपका सर यहाँ बैठे हैं, वो आपको सबको बराबरी का फोर्स दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपका सब पे बराबरी फोर्स नहीं लगा। क्यों, आप ये बोलोगे जो सपना है, जो आपका सपना है वो आपको, वो क्या स्क्रीन हो जाए, मतलब उसके पहले दो लोग आ जा रहे, कौन, एक आपका अनामिका आ जा रही है और दूसरा आपका हीना आ जा रही है, मतलब क्या उनका जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, थोड़ा उनमें जो फोर्स लगने, वो क्या सर वो आपका स्क्रीन हो रहा है, वो आपका स्क्रीन मतलब कि पर्दा आ जा रहा है, किसकी वजह से, एक आपका अनामिका वजह से और आपका हीना की वजह से। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका अनामिका में जो फोर्स लगना चाहिए था, जो अनामिका में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए था वो उतना नहीं लग, वो क्या बोलोगे, वो स्क्रीन, वो आपका यहाँ पे जो स्क्रीन किसकी वजह से हो रहा है, जो अनामिका है वो स्क्रीन किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका हिना की स्क्रीन हो रही है। तो मतलब क्या होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, क्या बोलते उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, समझ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जो आपका पहला, जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। ओके, मान के चलिए अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, और ये मेरा थर्ड ऑर्बिट है, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट में जो अट्रैक्ट, वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, फिर आपका सेकंड में थोड़ा कम हो जाएगा, और थर्ड में क्या होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, बिकॉज जो थर्ड ऑर्बिट है वो क्या हो रहा है, वो आपका स्क्रीन, वो क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन हो रही है, किसकी वजह से, आपका सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट की वजह से, समझ गए बच्चा, डन, यस यस सर,
जी बच्चा, अब देखो ये जो इफेक्ट है, ये जो संख्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, हम इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ गए? डन? यस सर। यस सर। ओके जी बच्चा, अब देखो इसका टर्म, इसका टर्म होता है, आपको समझ दो इसका टर्म समझ लो। देखो जो आपका होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे जेड, क्या होता है लिखते हैं जेड इफेक्टिव। अब देखो जेड इफेक्ट मतलब क्या, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो एक इसके फॉर्म में क्या होता है, अब बोलोगे दैट इज जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा क्या बच्चों? सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा बोलो, अब बोलोगे जो होता है आपका स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। क्या होता है आपका? स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट होता है, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट होता है। और ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस के ऊपर, ये आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या, अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो आपका स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा, वो भी आपका ज्यादा होगा, आपका वो भी आपका ज्यादा होगा, वो भी आपका ज्यादा होगा। समझ गए? यस सर। अब बच्चा क्या होगा? यस सर। जी बच्चा, ये जो आपका Z इफेक्ट, ओके बच्चों अच्छी बात, ये पावर आ गया। यस यस, पावर आ गया। दिख रहा हूँ मैं अभी, देखो मैं अंधेरे में बैठ के पढ़ा रहा था, ये पावर आ गया, दिख रहा है मेरा फेस सबको? यस सर। यस यस सर। ओके जी बच्चा, ठीक है ना। अब देखो इतना हमने पढ़ा, थैंक गॉड पावर आ गया, नहीं तो मैं क्या पता क्या हो जाता। चलो कोई नहीं। अब देखो जो आपका Z इफेक्ट क्या होता है, Z इफेक्ट क्या होता है, आप क्या बोलोगे, Z माइनस सिग्मा। Z क्या है? ये आपका न्यूक्लियर चार्ज। Z का आपका क्या है? आपका न्यूक्लियर चार्ज है। Z आपका न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या होगा, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता है, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा क्या होगा, कम होने लगेगा। हम क्या बोलोगे, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज Z इफेक्ट क्या होगा आपका, Z माइनस सिग्मा के बराबर होगा। समझ गए? डन? यस सर। अब देखो जो आपका, और एक बात बच्चों, जो आपका जेड इफेक्टिव है, जो आपका जेड इफेक्टिव है वो बेसिकली वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो वो फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको भी लिखता हूँ। अब देखो बच्चों, एक तो होता है आपका डिस्टेंस, एक होता है आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है आपका डिस्टेंस के ऊपर। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे अगर आपका, इफ डिस्टेंस, अगर आपका डिस्टेंस क्या होता है बढ़ जा रहा है, अगर आपका डिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, तब क्या होगा आपका, तब आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, वो आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? क्या होगा आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, एंड जो आपका सिग्मा है, जो आपका स्क्रीन को क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा। ये देखो जेड इफेक्टिव घटेगा और आपका सिग्मा बढ़ेगा। मतलब देखो मैं क्या बोलता, जो सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा आप क्या बोलोगे, सिग्मा ज्यादा होगा। तो सिग्मा बेसिक क्या होता है, सिग्मा ये है ना आपका जेड माइनस सी, जेड माइनस सिग्मा होगा। मतलब क्या, अगर मान के चलो जेड का कितना 10 है, जेड का 10 है, और मैं आपको ये बोलता हूँ अगर आपका सिग्मा कितना है 5 है, 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका ज्यादा डिस्टेंस, तो क्या होगा आप क्या बोलोगे, अगर आपका सिग्मा ज्यादा हो क्या, आप क्या बोलोगे, तब क्या होगा, तब आपका जेड क्या होगा उतना कम होगा, उतना कम हो जाएगा। समझ गए? अगर मैं कोई ये बोल रहा हूँ कि आपका, अगर आपका सिग्मा का वैल्यू, अगर आपका जो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट हो क्या होगा, अगर वो आपका 2 है मतलब कम है, तो क्या बोलोगे, आपका उतना जो जेड, जो आपका जेड क्या होगा उतना कम हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। अगर आप है ना 10 माइनस 2 तो कितना आएगा, तो आपका 8 आंसर आएगा, तो आपका 8 आंसर आएगा। मतलब क्या, ये आपका दो चीज के ऊपर डिपेंड, कौन सा, एक आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या बोलोगे, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जेड इफेक्ट घट जाएगा, लेकिन सिग्मा क्या, सिग्मा बढ़ेगा। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली इसके ऊपर, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत बच्चा? नो सर। देखो अब देखो अभी है ना, एक एग्जाम्पल करता है आपको प्रॉपर समझ में आएगा, एग्जाम्पल करता है सब आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मैं ऐसे लिखा मैंने, एक मैंने 2s, एक मैंने 2s ऑर्बिटल लिखा, एक आपका 3s ऑर्बिटल लिखा। अब मुझे ये बताओ
किसका आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा बच्चों आप बताओ, आपका जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, और 2s का 3s का 2s का है ना, क्या होगा 2s का, 2s का 2s का 2s का ज्यादा होगा, किससे आपका 3 से कम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप क्या बोलो, इनडायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं, जो आपका जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब क्या, अगर आपका एन ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका डिजिट उतना कम हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका जो आपका सेकंड टर्म है, जो आपका सेकंड टर्म की बात करें, जो आपका सेकंड फैक्टर है वो कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज, क्या बोलते उसको, डिफ्यूज ऑर्बिटल्स, डिफ्यूज ऑर्बिटल्स। अब मुझे बता बच्चों, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होता है, वो आपके बेसिक चार टाइप का होता है, कौन सा, एक आपका एस ऑर्बिटल, एक आपका पी ऑर्बिटल, एक आपका डी ऑर्बिटल और एक आपका एफ ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ किसमें आपका इलेक्ट्रॉन मिलने चांस ज्यादा होगा, आप क्या बोलोगे, एस में, क्यों, एस तो वो खाली गोल होता है, वो खाली आपका स्पेरिकल होता है, वो खाली स्पेरिकल होता है, लेकिन जो पी कैसा होता है, पी आपका डंबल शेप का होता है, पी आपका डबल शेप का होता है। डी कैसा होता है बच्चों, आप बोलो, वो आपका डबल नंबर शेप का होता है, डबल नंबर शेप का होता है। और एफ कैसा होगा, एफ आपका कोई कॉम्प्लीट, वो क्या आपका कॉम्प्लीट शेप होगा। अब बता मुझे किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जल्दी मिल जाएगा, आप बोलोगे एस पे जल्दी मिल जाएगा, क्यों, बिकॉज उसका बाउंड्री छोटा है, उसका बाउंड्री छोटा तो जल्दी मिल जाएगा, है कि नहीं, जैसे नो तो मतलब क्या, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स होगा कम होगा, है कि नहीं, यस या नो, यस सर। देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, उतना अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, मतलब क्या आपका जो आपका न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, है ना। तो इसका इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे मैं ये ले सकता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, जो आपका जेड इफेक्टिव है, जो आपका जेड इफेक्टिव हो वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा एस में होगा, फिर आपका पी में होगा, फिर आपका डी में होगा, फिर आपका एफ में होगा, है ना बच्चों, समझ गए? किसी को डाउट है बच्चा? नो सर। हेलो 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 सर। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो इतना समझ गए, तो आप क्या बोलोगे, जो जेड इफेक्ट उसमें क्या बोलोगे, एस में के ज्यादा लग गया, पी में थोड़ा कम लग गया, डी में और कम है, और इसमें क्या, इसमें तो बहुत कम लग गया, इसमें क्या होगा, बहुत कम लग गया। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका जो आपका जेड इफेक्टिव है आपका दो टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा, एक आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा आपका ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो, अब सपोज करो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, एक आपका 2s ऑर्बिटल है, एक आपका 3p ऑर्बिटल है, एक आपका 4s ऑर्बिटल है, अब मुझे बताओ किसमें आपका जेड इफेक्टिव, किसमें आपका जेड ज्यादा लग गया, 2s किसमें ज्यादा लग गया, 2s 2s में ज्यादा लग गया, फिर किसमें लग गया बच्चों, 4s 4s नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपका डिस्टेंस के ऊपर, पहले आपको डिस्टेंस देखना है, पहले आपको डिस्टेंस देखना है, एंड सेकंड आपको ऑर्बिटल्स, फिर आपको ऑर्बिटल्स के बारे में ध्यान देखना है, ठीक ना, पहले डिस्टेंस देखो फिर आपको ऑर्बिटल देखो। अब देखो किसका डिस्टेंस कम है, आप बोलोगे 3p कम है, तो क्या होगा, फिर आपका 3p में होगा, एंड देन लास्ट में आपका 4s में होगा। समझ गए, कोई दिक्कत? यस नो सर। नो सर। अब देखो ये आपका एग्जांपल, अब देखो और एक एग्जांपल होता है, सपोज मैं आपको ऐसा लिखता हूं, मैं लिखता हूं आपका 3s है, 3p है और आपका 3d है, है ना। अब मुझे बताओ, अब इसमें क्या ऑर्डर होगा, अगर मैं आपको z, इसमें क्या ऑर्डर होगा बच्चों, 3s 3a
3D. क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका 3S में होगा, फिर आपका 3P में होगा, फिर आपका 3D में होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके जी बच्चा, अब देखो मैं ना आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, ये लास्ट एग्जाम, यहां पे आपका सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, यहां पे आपका सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब देखो मान के चश्मा में लिखा मैंने, एक मिनट, मैंने 4S ठीक ना, फिर मैंने लिखा 5D एंड आपका 5S। तो मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका आपका Z इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, किस में ज्यादा लग गया बच्चों, ये बताओ, कम ऑन, सबसे ज्यादा किस में लग गया, सबसे लग गया 4S, पहले आपका 4S में सबसे ज्यादा लगेगा, है ना। अब देखो अब ये आपको ये देखना है, एक आप देखो, एक आपका बच्चा 4F बचा, एक आपका 4D बचा, एक आप इससे बचा, तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे आपका फिर आपका 4D आएगा, सॉरी 4F आएगा, है ना, फिर आपका 4F आएगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका 5S आएगा, फिर आपका 5D आएगा। बेसिकली ना देखो, कभी भी ना आपका F के बारे में नहीं आता, क्योंकि ना इसका शेप कैसा बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, ये कभी आता नहीं है, बेसिकली आपका ना S, P और D के बारे में पूछते हैं, आपका S, P और D के बारे में पूछते हैं, समझ गए, तो आपका जो 4F वो कभी आता नहीं है, वो कभी आपका एग्जाम में नहीं पूछते, समझ गए, कोई दिक्कत? ओके लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 2S, 3P एंड 3D, बताओ क्या ऑर्डर होगा Z50 का? 2S greater than 3P greater than 3D, 2S का आएगा, फिर आपका 3P का, फिर आपका 3D का आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए? Yes sir. बस खत्म हो गया आज, यहाँ पे हमारे चैप्टर होता है खत्म, फाइनल हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और बताओ और एक बात है, अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखो ये तो हमने पढ़ लिया, देखो एक बार इसको देख लो, फिर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको समझाना है मुझे, ठीक है, एक बार देख लो। हाँ बोलो। कैसे क्या हुआ सर, एफ की शेप कैसी होती है? एस का ना बहुत बेसिकली इसका बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है, ये भी है, ये भी बुक्स में है, लेकिन ना इसको समझो, क्योंकि ना देखो सिंपल सी बात है, अगर वो आएगा तो सब उसका जानो मत। हाँ आप खाली क्यूरियोसिटी होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा उसका PDF के बारे में, तो कैसे ऐसा होता करके, लेकिन अभी समझो मत कि क्या कैसा शेप कैसा होता है, आप समझो खाली ये समझो उसका जो शेप कैसा होता है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट शेप होता है, समझ, बस इतना समझो, मैं आपको ना पर्सनल भेज दूंगा उसके बारे में, ओके? यस जी, यस सर, बस समझ, इतना बस समझ गए, अगर समझ गए तो आप थम्स अप टाइप कर लो, मतलब राजस्थानी ट्यून आ रहा है मेरे पता नहीं क्यों। चलिए सही है, सही है, थैंक यू सपना, थैंक यू पूजा, थैंक यू हीना, थैंक यू उर्मिला, थैंक यू अपना, थैंक यू मीरा, थैंक यू शिका, ओके समझ गए। अब देखो अभी है ना मैं आपको इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको समझा, देखो अगेन देखो बच्चों, इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो आपको रिवर्स इक्वेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए पता होना चाहिए, और आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पता होना चाहिए, मतलब देखो हमेशा ध्यान रखना ये किसके लिए, ये जो पार्ट है ये आपका सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, अगर मान के चलो अगर आपको अदर देन हाइड्रोजन दिया होगा, मतलब आपको मान के चलो हीलियम दिया होगा, हीलियम प्लस दिया होगा, या तो लिथियम 2+, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका z स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, कितना आपके न्यूमरेटर में इनटू z स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होगा, समझ गए, डन? यस सर, यस सर, डन। देन आपको जो बोर्स मॉडल है उसका आपका एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पेशली ये वाला पता होना चाहिए। अब आप ये बोलोगे जो साइन, देखो साइन कैसा आपका नेगेटिव साइन है, मतलब क्या, अगर आपका एनर्जी का टर्म कैसा नेगेटिव है, मतलब क्या वो आपका मॉलिक्यूल कैसा, वो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल, वो कैसा आपका स्टेबल मॉलिक्यूल को डिसाइड करता है,
समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, एकदम नो सर। अब देखो दूसरा, दूसरा जो आपका वेलोसिटी जो फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना। कौन सा ये फॉर्मूला याद ध्यान रखना? दैट इज, हमने ये लिखा, हमने ये नहीं लिखा था, बस ये लिखा था, दैट इज 2.18 into 10 to the power 6 z upon n meter per second, हमने ये फॉर्मूला लिखा था, है ना? वैसे हमने ये फॉर्मूला, तो ये आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ये आपका वेलोसिटी वाला पार्ट, ये आपका वेलोसिटी वाला पार्ट था। दूसरा कौन सा? दूसरा आपका एक रेडियस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एक आपका रेडियस वाला पता होना चाहिए, एंड देन कौन सा एक पता होना चाहिए आपका फोटो एक्टिविटी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा ये वाला पार्ट। एंड लास्ट कौन सा आपका? डी ब्रोगली का और आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। तो बेसिकली तीन चार पांच छह फॉर्मूले जो है वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। समझ गया बच्चा? डन? यस सर। और एक बात, हमने ये देखा था, एकदम से बच्चा, हमने ये देखा था जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है, हमने उसका दो और फॉर्मूला देखा था। कौन सा? हमने ये देखा था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना? हमने ये फॉर्मूला देखा था। और एक बात, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसा होगा फॉर्मूला? आप ये बोलोगे लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन अंडर रूट 2m इनटू ईवी। ये क्या होगा? ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको लैम्डा को चार्ज और वोल्टेज फॉर्म लेता, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू इनटू वी। क्यू क्या है? क्यू चार्ज है, वी आपका वोल्टेज है। इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपका दोस्त सेम फॉर्मूला ही है, खाली आपका लास्ट ये खाली चेंज हो रहा है, ये आपका हल चेंज हो रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। और एक बार आपको ये पता होना चाहिए, कौन सा ये आपका हाइजेनबर्ग, कौन सा? हमने ये देखा था, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π होता है, देखा था। और अभी बोलोगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm के बराबर होगा। और एक फॉर्मूला भी आता है, कौन सा? एनर्जी और टाइम के बीच में, कौन सा? ये भी ऐसे होता, सिंपल होता, देखो ऐसा होता है, दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। तो बेसिकली ये क्या है आपका? ये आपका एंट्रेंस लेयर का फॉर्मूला है। देखो ये आपका एंट्रेंस लेयर फॉर्मूला है, ये आपका एंट्रेंस लेयर फॉर्मूला है, और ये आपका एंट्रेंस लेयर का फॉर्मूला है। तो अगर आप इतना कर लोगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन बच्चा? सही है? यस यस। डन? यस। तो यस बच्चों, यस इतना हमको पढ़ना था बच्चों। आई गेस, आई होप आप सभी को प्रॉपरली समझ में आया, चैप्टर समझ में आया होगा, है ना बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर। सो अगेन थैंक यू, अगेन थैंक यू सो मच बच्चों। एंड यस, पावर नहीं था फिर भी आप बच्चे आए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब आए प्रॉपरली आए एंड आपने पढ़ाई किया विदाउट मेरे फेस देखे। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।